बीजेपी के नेता आदिवासी युवा पर पेशाब कर रहा है। आपके बच्चों के भविष्य के लिए कमलनाथ को कहने आ रहा हूं, जरा भी हिम्मत है तो मेरी बातों का जवाब पीएम मोदी ने जनता से कहा घर जाकर मेरा एक काम करना, लेकिन ये चुनावी नहीं है। आखिर क्या बोले प्रधानमंत्री? विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए पार्टी की आला कमान लगातार दौरे कर रही है। 4 नवंबर के दिन पीएम मोदी रतलाम दौरे पर पहुंचे, यह कांग्रेस पर जवानी हमला बोलते हुए रतलाम की जनता से एक विशेष काम करने को कहा। जानिए पीएम क्या करने को बोले हैं रतलाम की जनता से। एमपी में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों के दौरे तेज हो गए हैं। सीकरी में रतलाम आई पीएम नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के दो नेताओं के बीच कपड़े फाड़ने का कंपटीशन चल रहा है। अभी तो ये फिल्म का ट्रेलर है, अगर एक बार मौका मिल गया ना तो कांग्रेस आपके कपड़े भी फाड़ देगी। 3 दिसंबर को भाजपा की जीत के बाद कांग्रेस की असली पिक्चर दिखेगी। अभी प्रैक्टिस चल रही है, फिर असली सिर फुटबॉल होगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रतलाम में चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे। प्रदेश में पीएम की पहली चुनावी सभा थी। पीएम की जनसभा से 9 विधानसभा क्षेत्रों के वोटर्स को साधने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित रतलाम जिले के 5 विधानसभा के अलावा धार व उज्जैन जिले के 4 विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी भी मंच पर मौजूद रहे। कांग्रेस झूठी घोषणाओं का भोंपू बजाती है। पीएम मोदी ने कहा कि देश हो या मध्य प्रदेश, कांग्रेस झूठी घोषणाओं का भोंपू बजाती है। मध्य प्रदेश के विकास के लिए कोई ठोस रोड मैप है क्या? कांग्रेस को पता नहीं है और वो इतनी दूर की भी सोच नहीं सकती। कांग्रेस के नेता फिल्मी हैं, उनके डायलॉग फिल्मी हैं, घोषणाएं भी फिल्मी हैं। जब किरदार फिल्मी है तो सीन भी फिल्मी होगा। कांग्रेसियों की आपसी लड़ाई में हमें एक बात याद रखनी है कि जो एक दूसरे के कपड़े फाड़ रही हैं, जहां मौका मिला है इन्होंने जनता के ही कपड़े फाड़ दिए। पीएम मोदी ने कहा कि आपको पता है कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता यहां क्यों आपस में लड़ रहे हैं? ये सीएम की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि इनके बीच अपने बेटों के लिए कपड़ा फाड़ चल रही है। लड़ाई इस बात की है कि किसका बेटा मध्य प्रदेश कांग्रेस पर कब्जा करेगा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद का परचम लहरा सकती है। मध्य प्रदेश का परचम लहराना कांग्रेस के बस की बात नहीं है।